मित्रों, द्वैत है पीड़ा और अद्वैत है आनंद। पीड़ा का अर्थ द्वैत होता है। द्वैत और पीड़ा दो चीज़ें होती नहीं, जहाँ द्वैत होता है वहाँ पीड़ा होती है, या जहाँ पीड़ा होती है वहाँ द्वैत होता है। एक सिक्के के दो पहलू है, द्वैत और पीड़ा। और द्वैत क्या होता है और द्वैत पीड़ा क्यों होता है? द्वैत का अर्थ होता है जहाँ कोई चीज़ अलग होना चाहती है, दूसरी होना चाहती है, भिन्न होना चाहती है, वहाँ से द्वैत शुरू होता है। जैसे द्वैत होने के लिए चीज़ों को अलग होना होगा जहाँ वो जुड़ी हुई थी। जैसे एक वृक्ष है, उसमें एक शाख है, शाख अलग होने के लिए, द्वैत होने के लिए उसको वृक्ष से नीचे गिरना होगा, तो ही हम गिन सकते हैं एक और दो। शाख वृक्ष पर ही है तो हम वहाँ दो नहीं गिनेंगे। दो तब पैदा होता है जब कोई जुड़ी हुई चीज अलग हो जाए, तो वही दो हो गई और बहुत सारे दो हो गए, मगर मूल द्वैत वो खुद ही दो में चले गए, एक से दो में चले गए। तो इसी तरह हम भी द्वैत हो गए हैं। हम परमात्मा के साथ, अस्तित्व के साथ जुड़े हैं और वहाँ पर हम दो नहीं, एक ही, मगर हमने अपने को कुछ अलग मान लिया। तो अलग मानने से वहाँ दो बात हो गई, एक वहाँ परमात्मा हो गया, एक वहाँ आप हो गए। तो यहीं से अब संसार खड़ा हो गया। दो तो हो ही गए, एक परमात्मा हुआ, एक आप हुआ, आप हुए, मैं। फिर वहाँ से बहुत सारे संबंधी होंगे, लोग होंगे, आपसे भिन्न कई सारी चीज़ होंगी, वो सब अलग अलग होती जाएंगी, 3, 4, 5 ऐसे होती जाएगी, 1000 करोड़ तक अलग अलग होती जाएगी। मगर पहला नंबर जो है वह है आपका, आप मैं हो गए। फिर दूसरा वो अस्तित्व, वो परमात्मा, आप कुछ भी नाम दो उसको, भगवान। और तीसरा जो आपके नज़दीक है सबसे ज़्यादा, आपकी पत्नी, आपका बेटा, तीसरा हो गया, फिर चौथा हो गया। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो गए। नज़दीक से आप से शुरू होता है और दूर से इस पृथ्वी से शुरू होगा। तो द्वैत हमने खुद ही पैदा किया है, असल में कोई द्वैत नहीं है, दो कहीं भी नहीं है। आप देखे ना, सत्य को खुली आँख से देखना होता है, दिखाई दे जाता है, खुला किताब है। सत्य को देखने के लिए आप यहाँ वहाँ जाओगे, शास्त्रों में जाओगे, ध्यान तपस्या इत्यादि करने चलोगे, तो आप सत्य को नहीं देखोगे। क्या जो आप जीवन को महसूस करते हो वहाँ दो महसूस करते हो कि एक महसूस करते हो? जैसे एक आदमी है, दूसरा आदमी है, तीसरा एक जानवर है, चौथा पेड़ है, आकाश है, पृथ्वी है, आप हो, तो ये सब चीज़ें हैं आपकी दुनिया में। तो दिखाई पड़ने में अलग अलग दिखाई देंगे ये चीज़ें। एक आदमी होगा, एक जानवर होगा, एक वृक्ष होगा, और आदमियों में बहुत आदमी होंगे, अलग अलग होंगे। तो पेड़ होगा, अलग होगा, घर होगा, एक हाउस होगा, अलग होगा। तो हर एक चीज़ अलग अलग, आपको एक पत्थर भी अलग दिखाई देगा, आपका रेत का कण भी अलग दिखाई पड़ेगा। अगर आपने अपने को दो माना है, तो अपने आप को
अलग आपने माना है तो आपको फिर हर एक चीज को अलग मानना होगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। सा गति या मति, जैसे आप बनोगे आप जीवन को वैसा ही देखोगे। तो हमारा ये जो जीवन है द्वैत का जीवन, यहाँ पर क्या है, क्या चल रहा होता है द्वैत के जीवन। एक मैं होता है वहाँ पर जो केंद्र में होता है, और एक तू होता है, एक वो होता है। ये परिवार के लोग होंगे, समाज के लोग होंगे, देश के लोग होंगे, अलग अलग ही हमको दिखाई पड़ेगा। और उसको अलग मान के वो सोचेगा कि वो क्या कर रहा है मेरे बारे में, क्या कह रहा है, क्या कहना चाहिए, और उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, और ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। पहले हम खुद ही मानेंगे उसको कोई एक अलग, फिर मानेंगे कि वो मेरे साथ संबंधित होना चाहिए, मेरा सेवक बनना चाहिए। तो सेवक वो नहीं बनेगा, फिर उसके साथ आपका क्रोध हो जाएगा, क्रोध पैदा हो गया, ऐसे ही बहुत सारी वृत्तियाँ पैदा हो गई। तो जिस संसार को कहते हैं हम ये बंधन का संसार है, वो यही द्वैत का ही संसार है, द्वैत का ही खेल है। अगर आपने अपने को अलग न किया होता, आपने अद्वैत को जाना होगा होता, तो आप ये देख पाते कि बाहर तो कोई भी अलग अलग है नहीं। बाहर की दुनिया में भी आप देखोगे ना, खुली किताब है जिसे मैंने कहा, आपको दिखाई पड़ेगा गहरे में एक आदमी अलग तो है, मगर वो उसी वायुमंडल से ऑक्सीजन ले रहा है जहाँ से आप ले रहे हो, या दूसरे आदमी ले रहा है, या कोई जानवर ले रहा है, या पेड़ ले रहा है। जो वो ले रहा है जहाँ से, वहाँ से वो जुड़ा हुआ है, वायुमंडल से वो जुड़ा हुआ है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फेंक निकाल रहा है और पेड़ उसका ग्रहण कर रहा है। तो पेड़ और वो एक हो गए, पेड़ से ऑक्सीजन वो ले रहा है, पेड़ को कार्बन वो दे रहा है। अगर पेड़ नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये नहीं होता, तो पेड़ भी नहीं होता। पेड़ और ये क्या अलग है? बाहर से दिखाई पड़ने से कोई चीज़ अलग नहीं होगी। वृक्ष के पत्ते भी अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, मगर वो अलग होते नहीं, सब जुड़े हुए होते हैं एक एकांग पर। आप रुख के पत्तों को भी आप गिन सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 हज़ार तक, लाख तक, जितने भी पत्ते हैं, और लोग गिनते भी हैं। तो मगर वो क्या अलग अलग नंबर है वहाँ? क्या सभी पत्ते एक ही पत्ता नहीं, एक ही पेड़ का पत्ता नहीं? मगर आप पेड़ के पत्ते को निकालेंगे वहाँ से, बाहर रखेंगे 2-4 पत्ते को, और आप पत्ते को गिनेंगे कि 1 पत्ता 2 पत्ता 3 पत्ता। तो आप जो गिन रहे हैं अभी, 2-4 पत्ते बना रहे हैं, वो झूठ है। वो 2-4 पत्ते नहीं, वो एक ही पत्ता था, वो जुड़ा हुआ था, आपने निकाल के तोड़ के अलग कर लिया, इतना ही है। तोड़ के अलग करने से वो अलग नहीं है, नहीं होती। तो आप भी अपने को जो मैं मानते हो, आपने एक पत्ते को तोड़ के अलग कर दिया, और उसको आप कह रहे हो मेरा पत्ता। आप अपने शरीर को मेरा शरीर कहते हो, या मेरा पत्ता, ये कहते। तो अद्वैत का अर्थ ये है, जहाँ सच है, जहाँ कोई दूसरा नहीं है, एक ही है, बाहर से भी भीतर से, और हम कुछ अलग नहीं इसमें। तो अद्वैत ही सच होता है, इसलिए अद्वैत ही पूर्ण होता है।
जो चीज़ दो होगी, दो नंबर की होगी, अलग होगी, बिछड़ी होगी, वो कभी भी पूर्ण नहीं होगी। और जो पूर्ण नहीं होगा वहाँ आनंद नहीं हो सकता। पूर्णता का स्वभाव है आनंद। जब कोई चीज़ परिपूर्ण हो जाती फिर वो अभिव्यक्त होती आनंद के रूप में। वहाँ फूल खिलता, वहाँ संगीत निकलता, तो वो पूर्णता की अभिव्यक्ति है आनंद। तो अद्वैत ही आनंद होगा, द्वैत आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि द्वैत में कभी पूर्णता नहीं है। और द्वैत झूठ भी होगा, वो एक मान्यता होगी, एक भ्रांति होगी। आपने माना कि वो दो है मगर सच में दो नहीं है। आपने माना अलग अलग पत्ते को, अलग अलग पत्ता है, अलग अलग पेड़ है, अलग अलग आदमी है, मगर इससे वो अलग अलग नहीं हुए। आपने अलग मानने से वो उस वायुमंडल से अलग नहीं हो गया जहाँ से वो जुड़ा था। वो तो होगा तो जुड़ा हुआ ही है ना। अलग होकर कोई चीज़ यहाँ बच नहीं सकती। इस पृथ्वी में किसी भी इकाई को हम अलग कर नहीं सकते। एक आपस में अंतर संबंधित है। तो अद्वैत झूठ होता है, क्योंकि जहाँ दो है नहीं वहाँ हमने दो बनाया, दो माना। हमने अपने को अलग माना अस्तित्व से, अपने को मैं माना। मगर इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप अलग हो गए। आपने केवल माना, मानने से अलग आप नहीं हुए। फिर भी आप इसी वायुमंडल से ऑक्सीजन ले रहे हो, आपका शरीर इसी भौतिक वस्तुओं से जुड़ी है, संबंधित है, जल से, अन्न से, ताप से, राप से। आपका शरीर अलग हो नहीं सकता, जैसे एक पेड़ में एक वृक्ष को अलग हो नहीं सकता। अलग होगा तो जिंदा नहीं होती, जिंदा नहीं होती। जो मृत है वो अलग होती है, जो जिंदा है वो एक होती है। तो अद्वैत झूठ है, अज्ञान से निर्मित है। हमको भ्रम हो गया, लगने लगा कि दो दिखाई दो पड़ गए। जैसे आँख में कोई वस्तु छेक ले तो आप एक चीज़ को भी दो देखते हैं। कभी कभी दो चांद जैसा दिखाई पड़ता है कभी कभी। तो देखने से दो चांद नहीं हो जाता, चांद एक ही हो। तो हमारे द्वैत मानने से ये दुनिया द्वैत नहीं हो गई, ये अद्वैत ही है, अद्वैत ही रहेगी। आप कुछ भी मानो मगर आपको ये फर्क होगा। आप मानोगे इसको द्वैत तो आपको पीड़ा का अनुभव होगा, अज्ञान का अनुभव होगा। आप इसको स्वीकार करेंगे, इसके साथ जिएंगे तो आपको आनंद का अनुभव होगा। तो आनंद का अनुभव या पीड़ा का अनुभव, तो जो आपका पीड़ा है वो क्या है? आपका पीड़ा आप ही हो। आपको पीड़ा हुआ इसे नहीं, आप ही एक पीड़ा। आपको बीमार नहीं हुआ, आप ही बीमार हो। आपके किसी एक हिस्से को बीमार नहीं हुआ। आपका होना ही वो एक पीड़ा है, क्योंकि होने मात्र से आप बिछड़ गए पूर्णता से, अद्वैत से आप द्वैत में चले होने से। इसलिए होना ही मूल समस्या है। तो आप कहते हैं ना आपकी कुछ समस्या है, आपके इसके बारे में,
समस्या है उसके बारे में कहते हैं, मगर आपका होना ही समस्या, इसलिए और बहुत सारी समस्या भी है। आपका होना आपको अलग कर देगा द्वैत से, पूर्णता से, और आप कब आनंद का सांस फेरते हो, कब आपको आनंद होता है इसको देखें। जहाँ भी आपको अद्वैत का या पूर्णता का या विराट का टुकड़े का अनुभव नहीं, समग्रता का अनुभव जहाँ होगा वहाँ आनंद होगा आपको। एक छोटा सा ताल में आप उतना मज़ा नहीं ले पाओगे जो बड़ा झील, बड़ी झील में, और उससे सागर में आपको और आनंद होगा। जहाँ विराटता है, जहाँ अनंतता है, वहाँ ही हम आनंद ले पाते हैं, वहाँ ही हम डूब पाते हैं, वहाँ ही फैलने के लिए रास्ता होता है। हमको फैलने के लिए विराट चाहिए, विराट आकाश चाहिए, तो ही हम फैलेंगे। तो छोटा मोटा अनुभव आपको सुख नहीं देता, जितना बड़ा हो उतना सुख देता है। तो बड़े का क्या अर्थ है? बड़े का यही अर्थ है कि परमात्मा बड़ा है, एक है, इतना बड़ा है कि उससे अलावा और कोई है नहीं, और वो सदा से है और जहाँ भी है, और इतनी बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो अद्वैत इतना बड़ा है, हम उसमें खो जाएंगे, हम अद्वैत को जानेंगे नहीं। अद्वैत को हम, द्वैत को ही तो नहीं जान पाते जो सीमित होता है, अद्वैत को हम कैसे जान पाए। और जानने के लिए हमारे पास वही होगी बुद्धि, जो द्वैत को ही जान सकती है, अद्वैत को तो बुद्धि जान ही नहीं सकती। तो अद्वैत का अनुभव आपको ऐसा कुछ अनुभव नहीं होगा जैसे कि आप कुछ मिल गया, जैसे कुछ आपने जान लिया, जैसे कि आपने कुछ देख लिया, जैसे कि प्रकाश देख लिया आप, तो इस तरह का अनुभव नहीं। अद्वैत का अनुभव, साक्षी का अनुभव, वो फैलावट का अनुभव है, वो फ्रीडम का अनुभव, वो नथिंगनेस का अनुभव। तो अद्वैत का अर्थ अद्वैत को बनाना नहीं, उसको जानना है। अद्वैत तो है ही, यहाँ कुछ भी द्वैत नहीं है, इतना जानना है। इतना जान लेने से आपके भीतर कुछ अलग नहीं बचेगा टुकड़ा, आप कुछ अलग टुकड़े के रूप में नहीं बचोगे। और जो हमको अनुभव होता है जीवन का, आप देखें वो द्वैत का ही अनुभव होता है। आपको जो फीलिंग होता है, विचार अनुभव आते हैं, वो विचार क्या है? द्वैत है। एक विचार किसी चीज़ का होगा, एक किसी चीज़ का विचार होगा, एक विचार हो गया, दो विचार हो गया, तीन विचार हो गया, चार विचार हो गया, बहुत सारे विचार हो गए। तो विचार चल रहे हैं वो द्वैत है। और जो आपको शरीर का अनुभव हो रहा है, बोझिलता का अनुभव, तनाव का अनुभव हो रहा है, वो अपने को अलग मानने से वो उस बिछड़ाव का अनुभव है, उसी को हम कहते हैं बंधन, पीड़ा इत्यादि। तो ये द्वैत का अनुभव है, द्वैत मानने का अनुभव है, ये द्वैत का भी नहीं, द्वैत तो हो नहीं गया, मगर मैं द्वैत हूँ, मैं अलग हूँ, मैं दो नंबर का हूँ, तो इस तरह सोचने का परिणाम है पीड़ा। हो गया तो नहीं, इसलिए पीड़ा तो हो नहीं सकता है ना, अद्वैत को पीड़ा हो नहीं सकता, द्वैत को ही पीड़ा हो सकता है, टुकड़ों को ही पीड़ा हो सकता है, समष्टि को पीड़ा कैसे हो सकता, किस बात का पीड़ा?
जहाँ अपूर्णता है वहाँ उस बात का पीड़ा होगा। आपका एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, तो वहाँ पीड़ा होगा। आपकी अंगुली कट गई तो वहाँ पीड़ा होगा। मगर आपके सभी अंगुली है, सभी हाथ पैर है, सभी कुछ है आपके पास, तो पीड़ा नहीं होगा। तो द्वैत का अनुभव ही हमारा अनुभव जो होता है वही होता है बंधन का, पीड़ा का अनुभव भी। और अद्वैत का जो अनुभव हमको होगा वो सुख का, शांति का, आनंद का अनुभव होगा और पूर्णता का भी अनुभव होगा। और वहाँ अद्वैत में आप डूबेंगे, वहाँ खोएंगे, आप उसको जानेंगे नहीं। अद्वैत में लीन होना है, द्वैत में टुकड़े की तरह रहना है, अद्वैत में टुकड़े की तरह नहीं रहना है, डूब जाना है। जैसे सागर के किनारे पे कोई आदमी बैठा है तो वो द्वैत हो गया, और एक आदमी वहाँ डूब गया, अब वो एक हो गया सागर के साथ। तो अद्वैत का अनुभव ही मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ मैं से मुक्ति होता है, खो जाना होता है, मैं नहीं बचना चाहिए, मैं को खो जाना चाहिए, मैं अलग टुकड़े की तरह नहीं रहना चाहिए, मैं उस अनंत अद्वैत के सागर के साथ विलीन होना चाहिए और वही सागर बचना चाहिए, तो वो जो अनुभव होगा वही अनुभव है मुक्ति का अनुभव। तो वहाँ आपने जान लिया कि जीवन क्या है और आप क्या हो, कौन। मित्रों, इस तरह के अनुभव के लिए आप घर बैठे कोई गाइडेड मेडिटेशन प्राप्त करना चाहते हो, या जून महीने में जो भौतिक रूप में ऋषिकेश में 7 दिन का आध्यात्मिक शिविर होगा वहाँ आप भाग लेना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है व्हाट्सएप का वहाँ जाकर चैट कर सकते हैं।